बाजार में बॉटम कैसे बनता है देखिए, इस परसेंटेज पे ध्यान रखिए और इस पे रखिए और इस पे रखिए। बाज़ार 452,465 पे हैं और अब देखिए बाज़ार में एक लो कैसे बनता है। अगर आप इसी दिन का चार्ट देखेंगे 28 जून का, तो बाज़ार एक अपने लो के आसपास में है 460-450, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस होता है। ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा और ये ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर विक्टोर स्टॉप होता है, फिर ये कमज़ोर होने लगा है, ठीक है, और ये परसेंटेज बढ़ रहा है यहाँ पर विक्टोर बॉटम का, यानी कि बाज़ार अब देखिए वापस से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे आ गया है। एक बॉटम बनाएगा, बेस बनाएगा, हालांकि 1:37 हो गए हैं, ये इसी के आसपास में एक बेस बनाता है वैसे देखा जाए तो। अब ये 96 था, 95 हो गया है, ये 89 हो गया है, ये बढ़ेगा अभी परसेंटेज, ठीक है। 52,450 अगर बाज़ार ने टच किया होगा तो ये बढ़ गया होगा हल्का सा, अगर नहीं टच किया तो अभी ये बढ़ेगा। पहले वो अपने लो को टच करेगा, लो बनाएगा, पहले लो बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, और हो सकता है ये बढ़ता जाए या फिर बढ़ता जाए, कम होने से तो ये यहीं पर लो बन जाएगा। अगर वो बढ़ता जाएगा तो फिर बाज़ार थोड़ा सा नीचे आके लो बनाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें वैसी की वैसी चल रही है, मतलब बहुत बाज़ार छोटा 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 डाइवर्जेंस लेके ऐसे कर रहा है बाज़ार, ठीक है। बाज़ार में अभी बिग मूवमेंट्स नहीं है, ऐसे 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 बहुत छोटी मूवमेंट्स हैं। अब ये परसेंटेज कम हो गया है, यानी कि इसका लो बन गया है, तकरीबन तकरीबन इसका लो बन ही गया है जहाँ तक है। बस अब इंतज़ार है ये परसेंटेज बढ़ने का, और जैसे ये परसेंटेज बढ़ेगा उसके बाद एक कॉल साइड का ट्रेड आराम से लिया जा सकता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये जो परसेंटेज जब तक डार्क कलर में है विक्टोरियस बॉटम, तब तक हम ख़रीदारी कर सकते हैं या फिर बॉटम का भी इंतज़ार कर सकते हैं। हालांकि ये विक्टोर स्टॉप हो गया है वॉल्यूम सपोर्ट साइड का, इसीलिए हम ख़रीदारी का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी अगर ये यहाँ पर नहीं होता ब्लू कलर येलो कलर, तो हमारा कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार को ऊपर जाते हुए देखने की, और वैसा जाएगा भी नहीं, फिर बाज़ार जाएगा तो वापस नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर अब ये पीला रंग है, इसका मतलब एक उम्मीद है कि ये गहरा भी तो हो सकता है। हालाँकि 90 से 85% आ गया, 5% गिर गया है, और ये इतना के उतना ही है, ये 100% होने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि ये कोशिश कर रहा है कि बाज़ार कहीं पर इसी एरिया में रुक जाए, ठीक है। ये इसीलिए इसका कहना ये है, और इसका परसेंटेज अगर कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो बाज़ार जहाँ है यहीं पर रुकेगा और यहीं से घूमेगा ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है बाज़ार में देखने लायक। लगता है आपको वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।